सरकार नहीं छे, सरकस छे, खाली सरकस। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इसे देख रहे हैं द इंडिया टॉप। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी की सदस्यता अभियान के तहत दरभंगा के बेनीपुर में पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जोशीले अंदाज में संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है। केंद्र में एनडीए की सरकार है, राज्य में भी एनडीए की सरकार है, तो वो आखिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग किससे कर रहे हैं, रूस की सरकार से या फिर यूक्रेन की सरकार से। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार को कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर भी जमकर घेरा है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, पहले आप सुनिए। सरकार नहीं थे, सरकार नहीं थे, सरकस थे, खाली सरकस, सरकस हो रहा है ना, खाली सर्कस। अब हमको अद्भुत लगता है कि इनको जो लोग वोट देते हैं क्या सोच करके वोट देते हैं, इनको जो लोग वोट देते हैं ये लोग जानते हैं कि क्यों वोट देते हैं। ये लोग जानते हैं कि धर्म की राजनीति करो, जात की राजनीति करो, नफरत की बातें करो, समाज को लड़ाओ, भाईचारा अमन को खत्म करो। हमको तो नफरत के नाम पे, जात के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मिल रहा है तो हम काहे रोजगार। अरे तो हम जनता से कहना चाहते हैं, जनता आप लोग भी अभियान चालू करो, सरकार को सुधारने का अभियान शुरू आप लोग करो। अरे मुख्यमंत्री समाज सुधारेंगे, अच्छी बात है, हम सब लोग चाहते हैं कि नशा मुक्ति हो, लेकिन मुख्यमंत्री का पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए। जिसलिए चुना है उसका हिसाब देने के लिए, उसका काम करने के लिए मुख्यमंत्री जी को घूमना चाहिए था। क्या मुख्यमंत्री जी को अधिकारी सुधार यात्रा पर नहीं जाना चाहिए था, जहां कोई अधिकारी सुन रहा है किसी का, अफसरशाही पूरी तरीके से लागू है, महंगाई खत्म करना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी की जो समस्या है और उसके साथ साथ पलायन की समस्या को सुधार नहीं पाए हैं। लगातार जो छात्र हैं वो दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में पूरी तरीके से बेरोजगारी को समाप्त करना उनका सपना है, और इन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और कह दिया कि बिहार में सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।